कुंभ के बाद में अगर कोई मेला लगता है तो गंगा सागर का मेला लगता है, और जो राज्य सरकार अपने दम पे सारी व्यवस्थाएं करती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं रहता है। दीदी आएंगी, भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद लेंगी। गंगा जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं समुद्र के कपिल मुनि की मंदिर के तरफ में, तो निश्चित है जो है इस पे राज्य सरकार अपनी दृष्टि लगाए हुए है, राज्य सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत काम कर रही है दीदी। लेकिन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए इसके लिए, रोकने के लिए, वो सब चीज़ें व्यवस्था नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सब टोटल दीदी को ही करना पड़ता है। जो भी व्यवस्थाएं हैं ये राज्य सरकार की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। आज 200 साल से यहाँ आ रहा हूँ, पहले जो व्यवस्थाएं नहीं थी आज वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं इस राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। 50-60 लाख 70 लाख जो भी लोग आएंगे, क्योंकि इस बार कुंभ भी नहीं कहीं है और कोविड भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भीड़ की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।